डॉक्टर साहब बोले बहुत बढ़िया, मैं एक डॉक्टर मेरे मित्र हैं, मैंने कहा यार इंजेक्शन ऐसे भरते हो, सीरेंज लेते हो और फिर ऐसे क्यों करते हो, हर डॉक्टर करता है। तो उसने मुझे बताया डॉक्टर साहब ने, बोले भगवान से कहता हूँ कि भगवान तुम्हारे भरोसे लगा रहा। सामने एक आदमी बैठे एक कार्यक्रम में, मैंने कहा भाई साहब टेंशन में क्यों हो, बोले यार मेरा अफेयर टूट गया है, मैं पत्नी मेरा रिश्ता खत्म हो गया अफेयर प्रेमिका से। तो मैंने कहा कि टेंशन क्या है, बोले मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। मैंने कहा भूल जाओ, इसमें क्या टेंशन है, बोले उसका नाम नहीं आता। मैंने उनसे पूछा क्या टेंशन है, आप बहुत देर टेंशन में बैठे हैं, बोले जी एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हें क्या टेंशन है, बोले एक एक करके सब मर जाएंगे। मैंने कहा अपनी टेंशन बताओ, बोले मुझे ये टेंशन हो रही कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। मैंने पूछा एक सिंह साहब से, धर्मपाल जी, मैंने कहा आप ठाकुर कैसे, बोले हम अपनी बात पे जान दे देते हैं। जाट और ठाकुर में बात हो रही थी कि भाई तुम ठाकुर कैसे, तो ठाकुर साहब ने कहा अपनी बात पे जान दे देते हैं। फिर उन्होंने जाट से पूछा कि तुम जाट कैसे, बोले हम बिना बात के जान दे देते हैं। तो मैं डॉक्टर सुनील जोगी को आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर सुनील जोगी पहले भी चार बार आ चुके हैं, ये पांचवी यात्रा है और हास परिहास के लिए उनको जाना जाता है पूरे देश दुनिया में। मैं चाहता हूं संजीव जी आप भी विराजित हो जाइएगा, बहुत अच्छा। हाँ, समय की सीमाएं हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आमंत्रित करें डॉक्टर सुनील जोगी। बहुत धन्यवाद। दोनों कवियों ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, बहुत बढ़िया पढ़ा सुदीप भोला जी ने। आप कुछ लोग खड़े हो गए जोश में उनको सुनने के बाद, बाद में चले गए। कई बार आदमी इसलिए भी खड़ा होता है कि खड़े होके कवि को खुश कर देंगे और फिर जाके पत्नी को खुश कर देंगे। तो बात और गजेंद्र सोलंकी ने भी बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, बहुत बढ़िया संचालन किया। एक बार तालियां इन दोनों के लिए बनती हैं। अभी भी कोई अगर बीच में जाना चाहे तो पहले चला जाए, मुझे आते हुए लोग अच्छे लगते हैं। ये आपका पुनर्जन्म है, वैसे ये सातवां चक्कर है आपका, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। मैं बड़ा उत्सव का आनंद का कवि हूँ, जो लोग हंसना चाहते हों वो मेरे साथ रहें जितनी देर तक मैं हूँ। मैं ये आयोजन प्रवासी जी की स्मृति में है, उनकी बेटी सुषमा जी और डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इस परिवार को प्रणाम करता हूँ। बड़ा काम किया है प्रवासी जी ने हिंदी के लिए, नामी प्रवासी उन्होंने रखा अपना, उनका परिवार है, उनका तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें। आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी बैठे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया सेवाओं के लिए। टंडन जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर राज गुप्ता, सुमन जी, बहुत सारे लोग हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी यहाँ हैं, वो बड़े कलाकार हैं, एक बार उनका भी तालियों से आप स्वागत करें। उनकी सहजता देखिए, वो सबसे पीछे बैठे हैं और ये उनकी विनम्रता और सहजता है। किसी को होता नहीं उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, किशोर मलिक जी, जगदीश जी, वो चेहरे जो हमेशा, बिंदु जी जो बहुत स्नेह देते हैं, और संजीव जी और इनकी पूरी टीम। कहाँ गए धर्मपाल जी, आप तो कह रहे थे पत्नी के साथ बैठूंगा जाके। नहीं, जहाँ बैठे हैं अच्छा है, बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने, संजीव जी ने, इनके लिए भी तालियां बनती हैं। ये अच्छी बात है, बड़ा काम हिंदी के लिए आप कर रहे हैं। और बस अब सिर्फ मैं और आप, न बीच में पानी न चाय, ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ी देर के लिए समाप्त कर दें। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, कोई वाद्य यंत्र नहीं होते, केवल शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों से आपको जगाना है, उन्हीं शब्दों से हंसाना है, उन्हीं शब्दों से सब कुछ काम करना है। यहाँ ऐसा बोलना है कि पीछे वाला आदमी हंसे और ताली बजाए। ये शब्द का एक चमत्कार है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। मैं कुछ चमत्कार करता चलूंगा, आपके हाथ मेरे साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। बोला पंडित जी हैं, कथा करते हैं, अच्छी बात है, कथा करना और पंडित होना बड़ी अच्छी बात है। बनारस में गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे। अरे मैंने कहा पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो,
तो एक ने मुझे बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या। थकी थकी हुई तालियां नहीं बजाएं, ऐसे दुखी दुखी मन से। मैं उत्साह देखना चाहता हूं आपके चेहरों पे। इन लोगों ने बहुत हंसाया है, बहुत तालियां बजवाई आपसे, बहुत ज्यादा तालियां बजवाई। हाँ, ऐसी हालत आपकी कर दी है। वो मशीन से आपने कभी गन्ने का रस निकलता देखा है? ठेलिया पे जो बेचते हैं, तो जब पहली बार उसमें गन्ना वो डाला जाता है तो उसमें धर्मपाल जी बहुत सारा रस निकलता है। जैसे सुदीप भोला पहली बार आए तो बहुत सारी तालियां बजाई आपने, वो गन्ने की तरह मैं देख रहा था कि वो पहली बार आए तो बहुत तालियां। फिर गजेंद्र सोलंकी आए, गन्ने को मोड़ के डालते हैं तो थोड़ा कम रस निकलता है। उसके बाद दुकानदार एक बार और मोड़ के डालता है। बाद में जब फुक्खस बच जाता है ना, चिखुर, जैसे आप लोग बचे हुए हैं, वो तो मुझे चेहरे से पता चल जाता है कि इनका रस तो निकाल ही लिया इन लोगों ने, बिल्कुल पूरा खून ही चूस रखा है, इतनी तालियां भजवा दी इन्होंने। अब बाद में मुझसे कह दिया कि इनमें से तुम रस निकालो। आप भी, बोलने का काम मेरा है और आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि भाभी जी बगल में बैठी हैं और आप बोल रहे हैं। इसी बात पर घर में तलाक हो सकता है, हो सकता है भाभी जी इस समय मुझे सुनना चाहती हूं, आपको न सुनना चाहती हूं। कृपया वाणी को विराम दें, प्रतिक्रिया तालियों में दें। खड़े होके बजाएं, बैठ के बजाएं, लेट के बजाएं, लेकिन प्रतिक्रिया तालियों में दें, वाह वाह में दें। बोलने से थोड़ा सा व्यवधान होता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझसे कहा आप रस निकालो, दुकानदार क्या करता है, वो नींबू काट के बीच में फंसाता, देखा है आपने नींबू? हाँ, इसलिए डॉक्टर साहब आप पर भी आऊंगा मैं। वो इसलिए नींबू फंसाता है कि चलो गन्ने में रस निकले ना निकले, कम से कम नींबू से तो निकले। डॉक्टर साहब बोले बहुत बढ़िया, मैं एक डॉक्टर मेरे मित्र है, मैंने कहा यार इंजेक्शन ऐसे भरते हो, सीरेंज लेते हो और फिर ऐसे क्यों करते हो, हर डॉक्टर करता है। तो उसने मुझे बताया आप डॉक्टर साहब ने, बोले भगवान से कहता हूं कि भगवान तुम्हारे भरोसे लगा रहा हूं। तुम्हारे भरोसे लगा रहा हूं इंजेक्शन। वो एक डॉक्टर का पहला ऑपरेशन था तो फूल लेके गया बुके, तो मरीज ने आश्चर्य से देखा डॉक्टर साहब फूल किसके लिए, बोले भाई मेरा पहला ऑपरेशन है सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए चले गए। डॉक्टर भी बहुत हंसाने का काम करते हैं, बहुत हंसाने का काम करते हैं। आइए बाबूजी, आइए आइए। इसलिए मैं शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे थे कि कहाँ गए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मन से। मैं हंसाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। मुझे हंसते हुए लोगों में भगवान दिखाई देते हैं, ईश्वर दिखाई देते हैं, इसलिए मैं हंसाता हूँ। तनाव तो हर जगह टेंशन है सरोजनी जी। सामने एक आदमी बैठे एक कार्यक्रम में, मैंने कहा भाई साहब टेंशन में क्यों हो? बोले यार मेरा अफेयर टूट गया है, मैं पत्नी उस मेरा रिश्ता खत्म हो गया अफेयर प्रेमिका से। तो मैंने कहा कि टेंशन क्या है? बोले मैं उसको भूल जाना चाहता हूं। मैंने कहा भूल जाओ, इसमें क्या टेंशन है? बोले उसका नाम नहीं याद आ रहा, ये टेंशन है। आदमी टेंशन अपने आप बुला के लेना चाहता है, बुला के टेंशन। एक और टेंशन में बैठे थे, मुझे जब कोई मायूस सा बैठा दिखता मैं समझ जाता हूं कुछ सोच रहे हैं भाई साहब, टेंशन में लगे हुए, टेंशन। मैंने उनसे पूछा क्या टेंशन है आप बहुत देर टेंशन में बैठे हैं? बोले जी एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो तुम्हें क्या टेंशन है? बोले एक एक करके सब मर जाएंगे। मैंने कहा अपनी टेंशन बताओ। बोले मुझे ये टेंशन हो रही कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। तालियां कमजोर हैं, थोड़ा उत्साह में आ जाओ आप, कौन लेके जाएगा, यही टेंशन है। अमेरिका तक में आ गए, पैसा कमा लिया है, डॉलर कमा लिए, फिर भी टेंशन नहीं जा रही, टेंशन नहीं खत्म हो रही। मैंने यहाँ एक से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या टेंशन है, अमेरिका आ गए टेंशन क्या है? बोले यार पीएचडी कर ली अंग्रेजी में लेकिन टेंशन ये है कि सपने हिंदी में ही आते हैं। मैंने अगले की टेंशन ये है कि सपने हिंदी में आ रहे। सच्ची बात है, टेंशन का कोई इलाज नहीं है, फिर भी लोग मायूस बैठे हैं। कोई आदमी अगर उदास बैठा हो
हंसी की बात पर हंस नहीं रहा हो, ताली बजाने की बात पर ताली ना बजा रहा हो, इसका मतलब या तो बीमार है या होने वाला है। डॉक्टर साहब, हंसी जो है वो आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था, वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। मोदी जी की बात की, मोदी जी अद्भुत आदमी है, बड़े राजनेता है, वो तो अंग्रेज जल्दी देश छोड़ के चले गए भारत, वरना आज अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो कि मोदी जी हमें जाने दो, हम जाना चाहते। अच्छी बात है, अच्छी बात, टेंशन छोड़ो, दिमाग लगाओगे तो हंस नहीं पाओगे। जो आदमी ऐसा बैठा होता है मैं समझ जाता हूं या तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी, कोई हंस नहीं सकता। मैं बताऊं आपको उदाहरण देके कि मैं कैसे पहचानता हूं कि ये बड़ा कौन है। अगर किसी बारे में भैंसे बधी हों किसी जगह, तो किसी सामान्य आदमी से पूछो, मस्त आदमी से, कम पढ़े लिखे से, किसान मजदूर से, कितनी भैंसे बधी हैं, वो मुंडी गिन के बता देगा सिंह साहब कि ये 10 भैंसे बधी हैं। किसी प्रोफेसर से पूछो मैथ के, किसी अधिकारी से पूछो, मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगें गिननी शुरू करेगा, क्योंकि उसे ये दिखाना है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो टांगें गिने क्या पहले। और अगर कहीं वो राहुल गांधी के गोत्र का हुआ तो पहले गूगल पे सर्च कर कि कितनी टांगें होती हैं, कंफर्म करें। सच बता रहा हूं आपको, सर्च करके तब उसे, और उसके बाद 4 का भाग देगा, डिवाइडेड बाई 4, और समर्थन तो आप सबके हाथ उठे, डिवाइडेड बाई 4, और गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसे। तो ये जो ताली नहीं बजाते, मैं समझता हूं ये 9.75 वाले लोग हैं जो टांगे गिन के 4 का भाग देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, ये नहीं, अब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे इधर, बहुत अच्छा, आनंद में रहिए, खूब उल्लास में रहिए। सिंह साहब बैठे हुए हैं हमारे, मैंने पूछा एक सिंह साहब से, धर्मपाल जी, मैंने कहा आप ठाकुर कैसे, बोले हम अपनी बात पे जान दे देते हैं। जाट और ठाकुर में बात हो रही थी कि भाई तुम ठाकुर कैसे, तो ठाकुर साहब ने कहा अपनी बात पे जान दे देते हैं। फिर उन्होंने जाट से पूछा कि तुम जाट कैसे, बोले हम बिना बात के जान दे देते हैं। तो बिना बात के लोग जान तक देने वाले हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं धीरे धीरे तमाम सारी बातें करूँगा।